अस्पताल का मामला है रसूख के आगे। अब बौने पड़ गए हैं सभी मानक और अस्पताल पर कार्रवाई से कतराते हैं यहाँ पर अफसर। जिम्मेदार अफसरों ने अभी तक इस पूरे मामले में जो चीजें हैं उनको नहीं देखा, आपत्तियां यहां पर नहीं जाची हैं। महामारी फैलाने के बाद कोविड अस्पताल ये बना और उसके बाद जिस तरीके से अस्पताल पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक उस पर एक्शन नहीं हुआ है। ताला लगा, उसके बाद ताला दोबारा खुला है, लेकिन उस पर खाना पूर्ति हुई है कार्रवाई के नाम पर, वो भी साफ दिखी है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अस्पताल को ही सीज किया गया, आगे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आरोप में पारस अस्पताल है और उसके बाद कोरोना महामारी के बीच इस अस्पताल में भारी खामियां देखी गई। अनुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, एक बार फिर से सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अभी तक दूसरी लहर के बाद भी इस अस्पताल पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं, किसका डर यहां पर सता रहा लोगों को? सरकार के रसूख का सवाल है। जिस तरह से पूरे मामले में पारस हॉस्पिटल पर उंगली उठी, वीडियो वायरल हुआ, जिला प्रशासन अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई करता है तो पहला सवाल उस ऑक्सीजन की कमी की ओर जाएगा, जिसकी ओर सरकार और जिला प्रशासन कभी नहीं चाहता कि ऑक्सीजन की कमी का मामला उजागर हो और ये मुद्दा बने। ये यही वजह है कि पारस हॉस्पिटल के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई से जिला प्रशासन बच रहा है। अब जिला प्रशासन अपनी जांच की दिशा पारस हॉस्पिटल के जो मानक है, उसका जो लाइसेंस है और उसके सीजर की कार्रवाई की ओर है, यानी पूरा मामले से ध्यान हटाने की कोशिश है। उन 22 मौतों के ऊपर से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है, जांच की दिशा डाइवर्ट करने की कोशिश है। उन मानकों को कतई अनदेखा किया गया है जिनको लेकर के बयान लिया गया, जो कमेटी बनाई गई, कमेटी ने उन सारी चीजों को इग्नोर किया जो पारस हॉस्पिटल को कटघरे में खड़ी करती। और यही वजह है कि लगातार प्रशासन पारस हॉस्पिटल पर मेहरबान है, क्योंकि अगर पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई तो जिला प्रशासन और उसके अधिकारी उसकी जद में आएंगे। जी शिवंगी जी, यानी कि अनुपम सीधे सीधे उन लोगों के भी तार जुड़े हैं जिनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर देखा जाए कैसे इंतजाम थे, तो उस पर सफाई भी जाहिर है, सब अपनी देते दिखे होंगे। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से पूरा आगरा मॉडल की तारीफ की गई, आगरा मॉडल को सराहा गया, तो जाहिर सी बात है जिला प्रशासन के जो अधिकारी इस पूरे आगरा मॉडल को अपनी प्रशंसा लूटने में मस्त थे, अब वो पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने में कतरा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अगर उनकी पोल खुलती है तो उस आगरा मॉडल की पोल खुलेगी, और आगरा मॉडल की पोल खुलेगी अगर खुलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार पर उंगली उठेगी। यही वजह है कि लगातार पारस हॉस्पिटल को बचाने की कोशिशें जारी है। जांच की स्थिति की आपको अंदाजा बता दूं कि करीब 6 तारीख के बाद से ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ है, और उसके बाद से अभी तक पारस हॉस्पिटल में जो वीडियो किसने बनाया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ ना पुलिस तक पहुंच पाई है, ना ही उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई है।